डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। क्यों जी? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट को हमने पढ़ लिया था। आज असल में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे जुकाम है, गला खराब है, बुखार है, जिस्म में दर्द है, अलामतें सारी खतरनाक हैं, अल्लाह खैर करे। मैंने आज ना टेस्ट भी करवाना था, नहीं जा सका, ऑफिस ही नहीं जा सका। तो मैं वही मेहरान यार यही कह रहा हूँ कि कहीं जो है वो कोरोना ना हो गया। वो लास्ट वीक मैंने ट्रैवल भी किया है, तो अल्लाह खैर ही करे यार। लेकिन फिर भी अभी वो जो वो नहीं है, रेस्पिरेटरी सिंड्रम्स नहीं है, वो नहीं है अभी, सिम्टम्स नहीं है। सांस वांस ठीक है, और टेस्ट करवाऊंगा। मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में भी करवाया था इसी तरह की, वो ठंड ठंड लग गई थी तो वो उसको भी कराया था, नेगेटिव आया था। थैंक यू मेहरान, थैंक यू डॉक्टर अब्दुल्ला। अब वो ठीक है, वो वाली दामाद ठीक है ना, स्मेल और टेस्ट और बाकी वो सांस वांस। अच्छा हाँ, ये भी बिल्कुल एंटीबॉडीज का भी कराना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। चलें थैंक यू एवरीवन। आप सब अल्लाह की अमान में रहो, आप लोगों के लिए भी दुआएं। दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स और एवरीवन शुड कीप सेफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजिंग पीपल इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस अ वेरी डाउंटिंग एंड चैलेंजिंग टास्क फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट फॉर दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। आयशा बासी को डोनेट कर दो यार। डिसीजन मेकिंग बख्तावर मैंने पढ़ाया है आई गेस यार, क्यों बख्तावर मेरा ख्याल है मैंने पढ़ाया है। बख्तावर मेरा ख्याल है मैंने पढ़ाया, क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ वैसे, वो टॉपिक जरूरी है। मैंने पूरा रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल आपको पढ़ाया था कि ड्रग इंस्पेक्टर्स को गाड़ियां चाहिए, वो गाड़ियां खरीदने के लिए क्राइटेरिया कहाँ से ली जाए, कौन से ब्रांड की ली जाए, तो वो सारा मेरा ख्याल है मैंने पढ़ाया। प्लानिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चलिए मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट वेट करें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग पता नहीं किधर चला गया यार। डिसीजन मेकिंग मुझे याद पड़ता है कि मैंने पढ़ाया, आप बहुत सारे बैचेस को पढ़ा रहा होता हूँ तो हो सकता है आई मे बी मिसटेकन, लेकिन अगर आप मेजोरिटी सोचे जरा देखें मैंने पढ़ाया। मैं अभी आपसे करूँगा ना, अभी लेक्चर शेयर करता हूँ तो उससे भी याद आ जाएगा। हाँ वसीम शाह, डिसीजन मेकिंग नहीं पढ़ाया, चलो वो फिर ज़्यादा ज़रूरी है, वो पढ़ा देते हैं। ठीक है,
जी मैं आपको पढ़ा देता हूँ जनाब, कोई बात नहीं। यार ये किधर गया है? यार मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स फिर दोबारा पढ़ाने लगूंगा तो वो टाइम, जो चीज़ें नहीं पढ़ी वो पढ़ लो यार। मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट में ना फिर आप स्पेसिफिकली बता दो कि कौन सी थ्योरी में क्या पॉइंट समझ नहीं आया यार। वो मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट सारे दोबारा नहीं पढ़ाए जा सकेंगे, वो तो 3-4 घंटे की कार्रवाई है यार। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेटर से मिल जाएंगे जी। टेलरिज्म का मैं बता देता हूँ, बेसिकली टेलरिज्म जो है वो इट इज द अप्रोच टू ऑर्गेनाइज वर्क एंड द वर्कर्स एक्टिविटीज साइंटिफिकली। टेलरिज्म इज बेसिकली साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एंड वर्कर्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वर्क सेटिंग। और वो कैसे होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट? इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, क्रिटिकल स्टडीज, इम्पीरिकल डेटा गैदरिंग और फिर डेटा एनालिसिस और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे जो आपको मोस्ट एफिशिएंट और लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, लीस्ट फिटीगिंग मेथड ऑफ वर्क डिस्कवर करना होता है। दिस इज टेलरिज्म। अ साइंटिफिक मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन वर्क इन सच अ वे दैट इट इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ डूइंग दैट वर्क, इट कंज्यूम्स लेस टाइम, इट कंज्यूम्स लेस एनर्जी ऑफ द वर्कर्स एंड इन दैट वे दैट एक्टिविटी और वर्क सो डिजाइंड साइंटिफिकली बिकम्स द टेलरिज्म और द मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय टेलर। और उसमें उसने वन बेस्ट वे निकालने का तरीका भी बताया था। ही ऑल्सो डिस्कस्ड एज टू हाउ वी कैन फाइंड द वन बेस्ट वे। ठीक है, तो वो वन बेस्ट वे टाइम एंड मोशन स्टडीज के जरिए से आज भी अभी भी अप्लाई करते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में, पब्लिक एंड प्राइवेट हर जगह हम आज भी सेट उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसका उन्होंने मेथड दिया है कि आप ऑब्जर्व करें, टाइम रिकॉर्ड करें, गिवन टाइम में, यूनिट टाइम में, वो पर आवर भी हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, व्हाट एवर यूनिट टाइम आप लेते हैं, यूनिट टाइम कैन बी रिकॉर्डेड, कैन बी ऑब्जर्व्ड। साइंटिफिक तरीका ना, आप टाइम रिकॉर्ड करें, टाइम का इंफॉर्मेशन डेटा आ जाएगा। उस टाइम में मुख्तलिफ वर्कर्स एक ही काम को मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ आउटपुट्स के साथ परफॉर्म करते हैं। तो जब आप ये देखते हो कि फिर 5-6 वर्कर्स एक काम को कर रहे हैं लेकिन वो अपने अंदाज में कर रहे हैं, हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है, रैंडम ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, अभी साइंटिफिक अप्रोच आपने अप्लाई नहीं की वहां, और हर कोई डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, तो व्हाट इज द एक्चुअल ऑप्टिमल आउटपुट जिसको स्टैंडर्ड बनाया जाए? तो बेसिकली वर्क स्टैंडर्डाइजेशन का नाम है टेलरिज्म। और उसके बाद आप बार बार ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज करके एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर जॉब। चाहे वो टाइपिस्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, या वो आपने कोई स्क्रिप्ट राइटर भर्ती करना है, या आपने कोई मार्केटिंग का स्टाफ भर्ती करना है, या आपने फाइनेंस मैनेजर रखना है, प्रोडक्शन इंजीनियर भर्ती करना है, प्लांट इंजीनियर, या आपने कोई सुपरवाइजर, वट एवर, जो भी जितनी जॉब पोजीशंस होंगी, वो फिर टेलर कहता है कि हर हर जॉब पोजीशन को एनालाइज किया जाएगा साइंटिफिक तरीके से, जॉब एनालिसिस होगा, उसके बाद जॉब डिस्क्राइब की जाएगी, जॉब डिजाइन की जाएगी,
इनपुट प्रोसेस आउटपुट उसकी लिखी जाएंगी, और उसके बाद इसको करने वाला कैसा होगा, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। टेलरिज्म तो बड़े आसान आइडियाज हैं, टेलरिज्म से ज्यादा मुश्किल तो ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट थे। तो उसके बाद फिर जो है आप वर्क मैनुअल बन जाएगा, एक वर्क डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस फिर क्या करती हैं, वो अपना बिजनेस मैनुअल्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं कि प्रोसेस कैसे होगा। लाइक बैंक्स में आप जाएं तो बैंक्स में लिखा हुआ प्रोसीजर होता है कि बैंक अकाउंट खोलने का क्या तरीका है, बैंक से पैसे विड्रॉल करने का क्या तरीका है, जमा कराने का क्या तरीका है, जितने भी बैंकिंग प्रोसेस प्रोसीजर्स हैं। यू सी ऑल हैव देयर प्रोसेस प्रोसीजर्स, इनपुट प्रोसेसेस आउटपुट्स, और उसमें कोई टाइम लगता है, तो वो प्रोसेस आप इंट्रोड्यूस या इन्वेंट या डिस्कवर करेंगे जो कम से कम टाइम में, कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करके और कम से कम इनपुट इस्तेमाल करके आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। वही बेस्ट वर्क होगा, वही वन बेस्ट वे होगा। और एक साइंटिफिक मैनेजर तभी साइंटिफिक होगा, तभी रैशनल माइंड के साथ काम करेगा जब वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अपने एम्प्लॉइज और वर्कर से हासिल कर पा रहा होगा। चलें जी आगे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग, इसका ताल्लुक प्लानिंग से बहुत ज्यादा है। डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग आर टू एलाइड कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हम देखते हैं व्हाट इज अ डिसीजन एंड व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजंस, रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल एंड द मैनेजर्स रोल एज डिसीजन मेकिंग मॉडल। डिसीजन, क्या इंसान रैशनल रह सकता है, जैसे F.W. टेलर ने अज्यूम कर लिया, जैसे वेबर ने कहा कि रैशनल होना चाहिए ब्यूरोक्रेट को, और टेलर ने भी कहा कि रैशनैलिटी और साइंटिफिक अप्रोच, कैलकुलेटेड इंपीरिकल अप्रोच से चलना चाहिए, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ह्यूमन बिहेवियर, इज इट 100% रैशनल बिहेवियर, या कभी कभी हम इरैशनल, गैर मंतकी, जज्बाती और जानवर टाइप भी हो जाते हैं? तो वो जो फिर हमने बिहेवियरल मैनेजमेंट पढ़ा एल्टन मेयो का, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पढ़ा हर्बर्ट साइमन का, चेस्टर बर्नार्ड को पढ़ा, मैकग्रेगर को पढ़ा, तो ये बिहेवियरल जो साइंटिस्ट हैं, जो बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर की बेस पे काम को और बिजनेस एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो फिर कहते हैं कि नहीं, इंसान ऑल द टाइम इन ऑल सिचुएशंस 100% रैशनल लॉजिकल नहीं रह सकता। तो वो हम देखेंगे कि किस हद तक आप ये रैशनल रह सकते हैं। डिसीजन मेकिंग इज द एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक कामयाब ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट वही होता है जो अच्छे फैसले करता है। Even from the start of your career, you have to make decisions. Daily office work में आपको रोज कोई ना कोई critical situation से वास्ता पड़ेगा, जहां you have to apply your faculties of mind and of intellect. और बात सूरत हाल ऐसी भी आ जाती है कि rules, regulations या even precedent भी कोई नहीं होती, और आपने वहां कुछ action या कोई आपने उस फौरी action लेना होता है, तो वो जो एक्शन लेना है उसके पीछे जो आपका माइंड प्रोसेसिंग कर रहा है वो डिसीजन मेकिंग है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी, और इंसान बाकी जानवरों से जो मुमताज होता है, बाकी एनिमल से जो अपने आप को ये अशरफुल मखलूकात कहता है, वो इसी फैकल्टी ऑफ बॉडी एंड माइंड का इस्तेमाल करने का ही नाम है। वो शऊर ही है जिसकी बेस पे वो बाकी जानवरों से, जज्बाती जानवरों से या जो फिरोशियस एनिमल्स हैं जो सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पे चलते हैं। तो डिसीजन मेकिंग से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ डिसीजन। अ डिसीजन इज अ चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स। अब आपको याद होगा प्लानिंग में भी हमने कम से कम 5 अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए थे एनर्जी प्रोजेक्ट में,
जी स्टूडेंट्स याद आया, रिकॉल कर पा रहे हैं आप। जी बताइए, बख्तावर, आयशा, मुदस्सर। जी तो उसमें से कौन सा अल्टरनेटिव बेहतर है या दी बेस्ट है, या उस सिचुएशन के लिहाज से हमें उनमें से कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना चाहिए, ये फैसले करने का नाम डिसीजन मेकिंग है। और वो रैशनल डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं, आप अपनी पर्सनल बायसेस, इमोशंस, विम्स और अपनी जो पर्सनल आपकी फेवरेटिज्म होती है, इसको साइड पर रखना होता है। डिसीजन मेकर अपनी बायसेस को ओवरकम करके फैसले करेगा तो वो एक रैशनल ब्यूरोक्रेट होगा, वो एक रैशनल डिसीजन मेकर होगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। ह्यूमंस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, बट ऑल्सो इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड अदर मेटाफिजिकल फैकल्टीज और एबिलिटीज। तो इंसान जो ह्यूमन माइंड है, इसको तो अभी भी लोग बहुत इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को और इसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और चॉइसेस और इसकी जो ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी, उसको अभी भी फिलोसफर्स और साइंटिस्ट और बाकी जो है वो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो इलॉन मस्क तो कहता है कि हम जो है वो न्यूरा लिंक बना रहा है, वो कोई ह्यूमन ब्रेन को जो बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स हैं उनको रीड करके तो उनके साथ कंप्यूटर से कनेक्टिविटी मुमकिन होगी। तो वो देखो अब क्या कहाँ तक ये दुनिया जाती है। वो हरारी भी कहता है कि इंसान जो है वो होमोडोस बन जाएगा, होमोडोस, और वो गॉड ही बन जाएगा, वो ऐसी चीज़ें क्रिएट करना शुरू करेगा जो इंसानों से भी परफेक्ट होंगी। अब मिसाल के तौर पे अभी मैं पढ़ रहा था या देख रहा था कुछ वीडियोस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रेटिना बनाई है, इंसानी रेटिना, जिसकी विजुअल एबिलिटीज, देखने की सलाहियत आम इंसानी आंख से कहीं बेहतर और ज़्यादा हो गई है। और इसी तरह बायोनिक्स का इस्तेमाल आपने सुना होगा, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, किसी ने, कोई है जी बायोटेक्नोलॉजी वाला? जी अशफाक यूनुस साहब, बायोटेक्नोलॉजी में आपने किया है, गुड ग्रेट। तो उसमें बायोनिक्स, हाँ बायोकेमिस्ट्री में भी। तो अब ये इंसान खुद से जो है वो क्रिएशन उसने शुरू कर दी है, पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स कह लें या तो डिसीजन मेकिंग की तरफ वापस आते हैं कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स दिमाग, और चाहे वो ब्रेन है तो वो भी कॉम्प्लेक्स है, माइंड है तो वो उससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उस और वो जब वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है तो नैनो सेकंड्स में, रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इंसानी दिमाग खास करके जब स्ट्रेस में होता है, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मैनेजर्स, और इसी ऐसे में आप देखते हैं कि एफ डब्ल्यू टेलर, मैक्स वेबर, दुर्खाइम, क्वाइन बी, बहुत सारे फिलोसफर्स, अमेरिकन, यूरोपियंस, उन्होंने फिर साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड, कार्ल जंग, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, मैनेजमेंट में और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर, फिर एल्टन मायो भी जो है उसकी वजह से भी बिहेवियरिज्म पूरी एक ब्रांच ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, नॉट ओनली इन मैनेजमेंट बट ऑल्सो इन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, सोशल बिहेवियरिज्म, कलेक्टिव बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर। तो वो ह्यूमन बिहेवियर को फिर बड़ा डिटेल में स्टडी करना शुरू किया लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, ये फिर आया
और उसमें रैशनैलिटी की बात होना शुरू हुई। ऑल्दो इससे बहुत पहले अरस्तु ने भी बात की है, अरिस्टोटल ने भी, जब लॉजिक, बल्कि अरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड ही रोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री द बुक कॉल्ड लॉजिक। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल या प्रोसेस जो है वो एक 8 स्टेप प्रोसेस है। जैसे प्लानिंग प्रोसेस पड़ा है उसी से मिलता जुलता ये भी एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि प्लानिंग में भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ना, फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस हम रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा रहेगा जो फ्यूचर। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल एटलीस्ट मैनेजर्स को इम्पीरिकली गाइड जरूर करता है, फैक्चुअल डेटा बेस्ड एनालिसिस जरूर देता है। तो हम एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं पहले, एक बैकग्राउंड पेपर में भी आप सिनेरियो बिल्ड करके आप बता दें कि फर्ज करें सिनेरियो ये है कि सिटीजन्स आर कंप्लेनिंग एंड देर आर मीडिया रिपोर्ट्स एंड इवन अपोजिशन इज ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स इनएबिलिटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ड्रग स्टोर्स एंड इलीगल क्लिनिक्स। ये सिचुएशन पाकिस्तान में भी है, आप में से जो फार्मासिस्ट हैं या जिनका ताल्लुक मेडिकल और मेडिसिन से है वो इस बात को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बल्कि आम आम रीडर भी अगर अखबार आप पढ़ रहे होंगे तो ये अनरजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड के बगैर ड्रग स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जाली दवाइयाँ बिक रही हैं, डॉक्टर्स अताई डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और वो सूरत हाल ख़राब हो जाती है, इवन लोगों की डेथ भी हो जाती है इस तरह के इलीगल क्लिनिक्स हैं, ड्रग स्टोर्स हैं। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर है कि वो इसको कंट्रोल करें। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी फर्ज करें एक डिस्ट्रिक्ट, आपने मॉडल डिस्ट्रिक्ट लिया और जहां वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट लिया जहां खराबी बहुत ज्यादा है, जहां ये बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन है, तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक रिपोर्ट बनाता है और वो कहता है कि यहाँ जो इनलीगल क्लिनिक्स और अनरजिस्टर्ड ड्रग स्टोर्स हैं वो फर्ज करें पिछले 10 साल में वो कहता है कि जी इतना इजाफा हो गया। तो उसको रोकने के लिए अब वो क्या कहता है कि ही नीड्स अ टीम ऑफ 12 इंस्पेक्टर्स और हर एक को गाड़ी चाहिए, बिकॉज कि उन्होंने डेली फिर जो है वो अपना अपना एरिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो उन्होंने जाहिर है विजिट करना है, जाना है, जाके देखना है और ऑन ग्राउंड उन्होंने इंस्पेक्शंस करके कहीं वो सील करेंगे, कहीं जुर्माने करेंगे, कहीं वो कोई जो है वो प्यूनिटिव एक्शन लेंगे, और हो सकता है लोकल गवर्नमेंट और लोकल पुलिस को भी हमें इंगेज करना पड़ जाए, सूरत हाल जो है वो अनरेस्ट में बदल सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, पीपल मे टर्न वायलेंट। तो उसने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि जी हमें आप 12 गाड़ियां खरीद के दो, या वी नीड 12 व्हीकल्स कि हम ये फिर एक साल के अंदर जो हैं ये 10,000 इलीगल ड्रग स्टोर्स हैं और कुछ 250 के करीब क्लिनिक्स हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, अताई हैं, इनके ऊपर हम फिर कंट्रोल करेंगे और रेगुलर अगले भी बाकी भी हमारी ये गाड़ियां अगले 10-15 साल तक हमारी इंस्पेक्शन और हमारी जो फील्ड वर्क है उसमें ये हमारी मदद करेंगी। तो इस सिनेरियो के बाद जो फर्ज करें तो आपने फिर क्या किया, एक मॉडल बनाएंगे, फर्ज करें
वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ही अगर एम्पावर्ड है 10-12 गाड़ियां खरीदने का, या जो भी जिसने ये फैसला करना है कि इनको गाड़ियां नहीं लेके दें, लेकिन अल्टरनेटिव है ना, अब आपके पास आ गए। अब ये तो नीड आइडेंटिफाई आपने कर ली। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई या प्रॉब्लम। प्लानिंग में पढ़ा था नीड असेसमेंट, गैप एनालिसिस। तो आपने गैप या नीड या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। प्रॉब्लम ये है कि जो आपके इंस्पेक्टर्स हैं वो, उनके पास सवारी नहीं है, या वो प्रॉपर फील्ड विजिट्स करके और फील्ड में कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का फिर आपने हल ये सोचा कि जी अगर इनके इनको अगर व्हीकल्स दे दी जाए, गाड़ियां दे दी जाए, तो ये जो है वो डेली इतने 100 किलोमीटर या इतने किलोमीटर का फासला ये तय करेंगे, या इतने नंबर ऑफ ड्रग स्टोर्स और इलीगल क्लिनिक्स को ये विजिट करके देखेंगे, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट में तो ये हजारों की तादाद में हो सकते हैं ना। और गली मोहल्लों में जाना, बाकी दूर दराज पेरिफ्रीज में जाके भी देखना, रूरल एरियाज में तो ज्यादा ये अताई डॉक्टर्स और इनका होता है। तो ये आपने पूरा एक प्लान बनाना होगा। ऐसे आप हवा में डिसीजन मेकिंग नहीं करते कि चलो ठीक है जी इनको गाड़ियां ले दो। तो एक तो बात शुरू होगी यार, क्या नई गाड़ियां खरीद के दें या कोई सेकंड हैंड गाड़ियां ले लें। फिर कानून, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, फाइनेंस, बजट, ये सब देखा जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि जो हमारे पास ऑलरेडी गाड़ियां हैं, अगर इन्हीं को रिपेयर करा दिया जाए, एक अल्टरनेटिव ये भी आ गया। चौथा अल्टरनेटिव अब आप बताएं। अल्टरनेटिव भी डेवलप करना मैनेजर का काम है ना, डिसीजन मेकर का काम है। कोई और अल्टरनेटिव आप बताएं इस केस में। जी आयशा, बुरहान, कोई बताए। रेंट पे ले लें, कासिम साहब, बिल्कुल वेरी गुड। कि क्या रेंट पे ले लें, तो हर एक का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा ना, हर अल्टरनेटिव का। यू सी, तो हम देखेंगे कि नई गाड़ियां खरीदने के बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी कॉस्ट क्या आएगी, रेंट पे गाड़ियां लेने के बेनिफिट्स क्या हैं और कॉस्ट क्या आएगी, या पुरानी गाड़ियां खरीदें या जो हमारे पास खड़ी गाड़ियां इन्हीं को ठीक कराएं, तो उसकी क्या कॉस्ट, रिपेयर और बाकी उसकी मेंटेनेंस और लाइफ। तो ये सारे अल्टरनेटिव्स को फिर मैनेजर जो है वो इम्पीरिकल, ये सारा फिर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी ना, डेटा लेना पड़ेगा। तो जब आपने डेटा लेना है, तो उससे पहले सेकंड स्टेप ये है, ये देखिए ये जो मॉडल है, पहला आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया और वो लिखा, वो प्रॉब्लम फिर आप लिखते हैं कागज पे, ड्रग इंस्पेक्टर्स नीड व्हीकल्स, ये अलग प्रॉब्लम होगा, ड्रग इंस्पेक्टर्स नीड न्यू व्हीकल्स, तो वो एक और प्रॉब्लम है। यू सी, फर्क पड़ जाएगा। तो इस मैनेजर ने ये आइडेंटिफाई किया, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने, कि नई गाड़ियां खरीदनी है। अब नई गाड़ियां खरीदनी है तो मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगेन, ऑप्शंस मीन अल्टरनेटिव्स।